बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन जब कल अपन जो सीख रहे थे, कल क्या सीखा था अपन ने, कल अपन ने सीखा था सरकारी वैकेंसी के फॉर्म कैसे भरते हैं, आपको उसमें हमें जो आने वाली दिक्कतें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें क्या रहता है, एक उसमें निश्चित साइट डिसाइड कर दी जाती है कि आपको फोटो इस केबी में 200 केबी 400 केबी 5 केबी 7 केबी इसमें अपने को अपलोड करना है। मतलब क्या देखने वाले हैं, फोटो को एमबी से केबी में बदलना। और कई बार क्या होता है, हम लोग हमारे घर पर फोटो लाना भूल जाते हैं, जब वैकेंसी फॉर्म डालने जाते हैं तो कभी कभी हम लोग फोटो भूल जाते हैं। जब कई बार हम फॉर्म डालने जाते हैं तब क्या हम लोग क्या करते हैं, फोटो ले जाना भूल जाते हैं, कई बार मम्मी को भूल जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, मम्मी जल्दी से फटाफट फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दो। ऐसे होता है कि पापा का फोटो भूल जाते हैं, पापा के भी कभी बोलते ना अपन एक काम करो आप फोटो खींचो और मुझे व्हाट्सएप कर दो। ऐसे होता है, होता ही नहीं होता है। तो अपन इस चीज़ का समाधान आपको देने वाले हैं। कभी कभी अब फोटो खींचो तो भैया अब फोटो कितना लगता है, पासपोर्ट साइज कितना, ये इतना इतना ही लगता है ना, ये कंधे तक और यहाँ से यहाँ तक। अब अपन लोग क्या करते हैं, फोटो पूरे ले लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँगा ना भाई फोटो मेरा खींच दो, तो आप लोग क्या करोगे, ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट ले लो, कौन कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट, ये भी ले लो, यहाँ से भी इतना ज़्यादा आ जाएगा और यहाँ से भी इतना ज़्यादा आ जाएगा। तो पहली बात तो क्या क्या सीखने वाले हैं, अपने अपने बुक में डालिए, फोटो को क्रॉप कैसे करें, फोटो को क्रॉप कैसे करें, या हम लोग को हमारी आज सीखने वाले हैं फोटो को क्रॉप कैसे करें। दूसरा लिखो, फोटो की साइज को कम कैसे करें। जब अपन लोग कोई भी फॉर्म डालेंगे ना, उस फॉर्म में विशेष करके अगर आपने वीडियो देख रहे होंगे जो मैं लगातार डाल रहा हूँ, उसमें क्लियर बोल देते हैं कि फोटो विल बी 200 KB 300 KB या 5 KB। तो जब कभी आप फॉर्म डालोगे तो उसमें क्लियर आपसे बोल देगा कि साइन भी लगता है फोटो में, आपने देखा होगा आप जब कभी वैकेंसी का फॉर्म डाल दो तो साइन भी आते हैं, तो साइन भी आपको कम साइज होना चाहिए, है ना, और फोटो भी साइज आपका कम साइज होना चाहिए। तो अपन इसको देखें लाइव कैसे करते हैं, पहले आप इसको हमें जैसे आप करवाते जाऊँ वैसे वैसे आप लिखते जाना, ठीक है। फिर अपन लोग क्या करेंगे, फिर मैं आपको आपने लिख लिया होगा, फिर मैं आपको एक बार लाइव करके दिखा दूंगा। उससे क्या होगा कि आप एक बार आपने लिख लिया तब भी समझ लिया, और दूसरा फिर आप लोग क्या करोगे, एक बार आप लाइव देख लोगे, करें चालू। तो सबसे पहले हमें फोटो की आवश्यकता है, तो लिखो सबसे पहले हमें फोटो लेकर आना है, सबसे पहले हमें फोटो लेकर आना है। अब जब तक हमारे पास फोटो नहीं होगा तब तक काम कैसे करेंगे, तो हमें फोटो तो लेकर आना पड़ेगा ना। तो आप सभी को व्हाट्सएप से फोटो लाना सिखा दिया, ईमेल से लाना बता दिया, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देंगे, ठीक है। अपना भाई फोटो ले आए, डेस्कटॉप पर जब फोटो आ जाएगा तो हमारे पास कोई तो फोटो पड़ा गया हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखते हैं। दिख रहा है सभी को, इसमें एक फोटो पड़ा है किसी का, कोई फाइल में कोई फाइल में फोटो पड़ा होगा, इसमें कोई तो फोटो पड़ा है, हाँ ठीक है इसको ले लेते हैं। ये अपने कोई फोटो लगेंगे प्रोसेस में वो अपन देखते हैं। प्रोसेस में आप लिखोगे कि अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, जैसे आप राइट बटन क्लिक करेंगे आपको आना पड़ेगा ओपन विथ पर, इस पर आना पड़ेगा ओपन विथ पर आओगे, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 कौन से वाले पर, रेड वाले पर, ब्लू वाले से अपन टाइपिंग करते हैं रेड, ठीक है। अब इस पर अपन फोटो पर ओके कर दिए, अब ओके करने के बाद क्या करेंगे, अपने को अपना माउस इस पर रखना है, कुछ भी नहीं करना, माउस से कर्सर लेकर आना है, कर्सर लेकर आइए इस फोटो के ऊपर। अब क्या बता रहा है कितने केबी का है,
600 1 केवी का हमारा ये हमारा जो फोटो है 601 केवी का हो रहा है। कितने केवी का हो रहा है? 601 केवी का। हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि आपको ये फोटो 100 केवी में देना है। कितने में देना है? 100 केवी में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम वापस एडिट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, है ना। अब किस पे क्लिक करेंगे? रिसाइज पर। किस पे क्लिक करेंगे? रिसाइज पर। रिसाइज पे क्लिक करने के बाद हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, है ना। इस कस्टम इमेज पर क्लिक करा, यहाँ पर 1024 लिखा हुआ। कितना लिखा है? 102 दिख रहा है सभी को? 1024 लिखा है। अब हमें क्या करना है? इसका आधा करना है, मतलब इसके इससे आधा करके लिख दो। अपन समझते हैं कि क्या होगा। क्या करेंगे? इसका आधा होगा 500। कितना कर दे? 500 तो करो, 500 इसको मिटा कर पा। 500 करा और ये ओके कर दिया, है ना। अब इसके बाद में हमें सेव कैसे करना है? इसको यहाँ से सेव करना है, ठीक है। अब जैसे तो सेव करेंगे देखते हैं को इसका कितना होता है। कितना हो गया? 100। बात कितने की थी अपनी? 100, है ना। तो मैंने 500 करा, 400 करके देखा 400 क्या होता है। तो वापस क्या करेंगे? कस्टम पे क्लिक करा और यहाँ पर कितना करेंगे? 400 करो ओके। वापस यहाँ से सेव। अब देखा कितना हुआ? 101। फिर भी कितना कम है? एक ज्यादा है, मतलब अगर एक भी ज्यादा है तो भी आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। आप कितना? 350 और है। 350 तो कैसे करेंगे? वापस कस्टम पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे करते 350। इसमें ऐसा है कम से कम आपको 100 करना है और ज्यादा ज्यादा कितना करना है? ज्यादा से ज्यादा आप 100 कर सकते हो, कम से कम इसमें 100 से कम करना, 100 से नीचे और 100 से कम। आ रही मेरी बात समझ में? तो कितना करा? 350 और ओके करा। ओके करने के बाद सेव कर दिया। सेव करने में कितना हो गया? ये 80। तो क्या अपना काम चल गया? क्या काम हो गया अपना? लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये फोटो कहाँ पर है, हमें हमारे हिसाब से इसको सेव करते हैं। करें सेव। अब क्या करेंगे? अपने कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस एस दबाना है। कंट्रोल प्लस एस दबाइए, डायरेक्ट सेव हो गया। चलिए सही, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा फोटो सेव हो चुका है। अब आपने फोटो जहाँ से भी उठाया था, ये उस जगह पर जाकर ही वो जो साइज थी कितनी थी? साइज 601। 601 साइज से हमारा कितना बदल गया? ये अभी 80 केवी में फोटो बदल गया। अब हमें हमारा इसी प्रकार से हमारा कोई फोटो की साइज कम करेंगे, इसी प्रकार से हमारा सिग्नल की साइज कम करेंगे। सिग्नल बोलता है 5 केवी में देना है, 50 केवी में देना है, 100 केवी में देना है। तो आप लोग दे सकते हैं क्या? कोई परेशानी है क्या? है ना। क्या करा अपने? सबसे पहले फोटो पर गए, फोटो पर जाकर अपने राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पर गए। ओपन विद पर जाने के बाद आप गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर, गए रेड वाले पर। किस कौन से वाले पर? रेड वाले पर गए। रेड वाले पर जाने के बाद आप लोगों ने क्या किया? एडिट पिक्चर पर पहले क्रॉप करा, है ना। अगर आपका फोटो एक्स्ट्रा आ रहा है तो क्रॉप करेंगे, अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो क्या करेंगे? एडिट पिक्चर पर जाकर आप रिसाइज करेंगे। रिसाइज पर कस्टम पे जाकर आपको आपके हिसाब से करके देख लेना है ना। पहले आप उसका आधा कर दो, उससे कुछ कम।